टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने गाड़ियों में लिफ्ट देकर मारपीट और लूटपाट करने वाले तीन गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने इन गिरोहों के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों गैंग अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए बदमाशों में गिरोह का सरगना एम्स में टेक्नीशियन के पद पर तैनात है। इनके पास से 22 मोबाइल फोन, 5000 रुपए की नगदी, एक लैपटॉप, एक घड़ी, दो कार, तीन जोड़ी नंबर प्लेट पीले रंग की, एक एम्पलीफायर, दो तमंचा 315, चार जिंदा कारतूस, 6 चाकू छुरे, आईडी, दो बैग व अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये बदमाशों की टोली में तीन गैंग के 10 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर साइट 5 कोतवाली की पुलिस ने सिरसा पीथरी गोल चक्कर तथा सेक्टर 93 से गिरफ्तार किया। ये लोग अपना गैंग सेक्टर 93 के गेजा गांव में अस्थायी रूप से किराए के मकानों में रहकर संचालित कर रहे थे। एसएसपी ने बताया कि ये लोग सवारियों को अपनी गाड़ियों में बिठाते हैं, उसमें पहले से ही 3 से 4 लोग होते हैं। सवारी को पिछले सीट पर बिठाया जाता है। गिरोह का एक सदस्य जो पीछे बैठा रहता है, किसी न किसी बहाने से कभी उल्टे आने का बहाना करके, कभी उस सवारी के बताए गए स्थान से पहले उतरने का बहाना बनाकर सवारी को बीच में बिठा लेते हैं। ये बदमाश सवारियों के एटीएम कार्ड का नंबर अपने पेटीएम अकाउंट में डाल लेते हैं और सवारी के लूटे हुए फोन में आए ओटीपी को डालकर अपने पेटीएम अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। कई बार इन गिरोहों ने सवारियों के लूटे गए एटीएम कार्डों से मारपीट कर पिन नंबर पूछकर पैसे भी निकाल लिए हैं। साइट 5 क्षेत्र में तीन गैंग पकड़े गए हैं। टोटल 10 अभियुक्त हैं, जिनका मोटस ऑपरेंडी ये था कि वो सवारियों को विभिन्न स्थानों से बैठवाते थे और उनके साथ लूट करके छोड़ देते थे। कई बार एटीएम से पैसा वो निकलवाते थे और इन्होंने बहुत घटनाएं की हैं, 100 से ऊपर इन्होंने घटनाएं की होंगी। 18 इस तरीके की घटनाएं जो कि कई महीनों से यहाँ पे पंजीकृत थी वो वर्कआउट हुई है। टोटल 22 इनसे मोबाइल मिले हैं, जिनमें से 18 विभिन्न घटनाओं से कनेक्ट हुए हैं। एक लैपटॉप मिला है, 3 इनके पास नंबर प्लेट मिले हैं जो कि गाड़ियों पे ये यूज़ करते थे, 2 कार मिली हैं जिनमें से एक कार ऊबर पे यूज़ होती थी। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में उबर के चालक हैं, एक पूर्व चालक रहा है, एक ऐसा भी व्यक्ति है जो एम्स हॉस्पिटल में प्राइवेट टेक्नीशियन का काम करता है। तो 10 अभियुक्त टोटल गिरफ्तार हुए हैं और काफ़ी संख्या में मुकदमे वर्कआउट हुए हैं जो कि इस गैंग के तीनों गैंगों के द्वारा किए गए। एसएसपी ने बताया कि भागीरथ यादव उर्फ साधु पूर्व में कुलदीप के गैंग में रहकर वारदातों को अंजाम देता था, बाद में इसने अपना अलग गैंग बना लिया। दूसरे गैंग का सरगना कुलदीप यादव उर्फ साधु के गैंग के साथ मिलकर भी कई घटनाएं कर चुका है, अब अपना अलग गैंग चला रहा है। वह तीसरे गैंग के सरगना शशिकांत के साथ मिलकर पूर्व में लूट की गई कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। ये गैंग सेक्टर 37 महामाया फ्लाईओवर, परी चौक तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सक्रिय रहता है। ये तीनों गैंग अब तक 100 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एडिटर चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।